नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर प्रादेशिक के साथ मैं हूं नरेंद्र भाटी। सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी 1 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रदेश के 90 विधायकों के निवास पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मांगे न माने जाने पर देशव्यापी हड़ताल करने और संसद का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने शहर भर में प्रदर्शन किया और साथ ही सैकड़ों कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां दी। राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जिसमें सुभाष बराड़ा, नवीन जय हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुरेंद्र मलिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, अशोक अरोड़ा, तमाम को अपना मांग पत्र दे के ये मांग की कि सरकार को चिट्ठी लिख के विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के और एक अध्यादेश लाया जाए। इन कर्मचारियों की नौकरी 4054 कर्मचारी उस फैसले से प्रभावित है, लेकिन हरियाणा की सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही और लगातार हम आंदोलन के रास्ते पे थे। आज पूरे हरियाणा में हम जिला हेडक्वार्टरों पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं और हमारी सरकार और प्रशासन से ये मांग है कि केवल नाम के तौर पर हम गिरफ्तारियाँ नहीं दे रहे हैं, हम तमाम साथी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुने हम प्रशासन से, हरियाणा की सरकार से अपील करेंगे कि हमें जेलों में ले जाने का प्रबंध किया जाए।